जूम आउट किया, ठीक, हम इसको आउट करते हैं थोड़ा। अब हम जानते हैं ये स्केच डायग्राम के बारे में कि स्केच डायग्राम का जो कनेक्शन गया हुआ है वो कहाँ से कहाँ कनेक्शन गया हुआ है। ये जो देख रहे हैं वो लाइन यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, बात समझे कि नहीं। तो यही सब चीज़ है, ये सब चीज़ आपको माइंड में सेट रखना होगा। इसको आगे पीछे करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, और इस आईसी को हम पूरा डिटेल में जा कर के देख भी सकते हैं कैसे क्या है नहीं है। और यदि आपको वहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ भी देखिए, दोनों चीज़ों को कंपेरिजन करने के लिए ये भी पेज को देता है और वो भी पेज को ये दिखाता है, देता है, समझे कि नहीं, ताकि हमको ढूंढने में परेशानी ना हो। ये जस्ट नीचे रहता है, बात समझे। वो फंक्शन ज़्यादा दिया है, इसलिए ज़्यादा दिया है ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा, नहीं तो यदि ज़्यादा फंक्शन नहीं देगा समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए ये हमारा पूरा खुल गया है, ये पूरा हमारा क्या खुल गया, स्केच डायग्राम खुल गया। तो स्केच डायग्राम जो खुला है इसको हम पूरा जूम आउट करते हैं अच्छे से और इसका जो है वो हम समझते हैं। तो अभी हमको बता दीजिए जितना भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, सूरज आपका ध्यान कहाँ रहता है जी? किसी का फोन आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा ना। चलिए देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है मतलब अब जितना भी हमारा दिख रहा है ये सब कैपेसिटर वगैरह ये सब चीजों को पहचानने में आप लोगों को किसी को कठिनाई है क्या जी? नहीं सर, कैपेसिटर है सर, जितना सारा पार्ट्स है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, हम कैसे ये सब को रीड कर सकते हैं? ये पढ़ने के लिए आपको आता है या नहीं आता है? आता है सर, आता है ना जी। मतलब जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है सबके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट्स है, क्योंकि बाबू स्केच डायग्राम को पूरा समझने के लिए आपके पास में ये पूरा माइंडसेट होना चाहिए। यदि ये पूरा माइंड, हाँ चलिए देखिए, जो जो चीज़ों में आपको परेशानी हो रहा है उस परेशानी को आप उस वर्ड को नोट करते जाइए। इसीलिए हम आपको बोले स्केच डायग्राम को देखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा फोन है जिसमें बहुत थोड़ा डिफरेंट, हल्का हल्का डिफरेंट आपको मिलेगा, समझे कि नहीं। तो जब डिफरेंट आपको मिलेगा तो उस चीज़ को फाइंड आउट आप कैसे कीजिए, जब हमसे पूछिएगा तभी तो फाइंड आउट कीजिएगा ना जी। जैसे कि देखिए ये मदरबोर्ड है, क्या है, मदरबोर्ड है पूरा, इसमें पूरा कंपोनेंट्स लगा हुआ है और ये कंपोनेंट्स का एकदम पूरा कॉपी यहाँ पे, और यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, नंबर से हमको पूरा कंफर्म हो जा रहा है कि ये क्या है जी, बोलिए, क्वाइल है, ये क्या है, कैपेसिटर, ये क्या है, ये क्या है, कैपेसिटर, समझ में आ रहा है ना देवगर? हाँ सर, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए देवगर यहाँ सी से लिखा हुआ क्या है, सॉफ्टवेयर, ये सी से कॉइल है सर, क्या है, कॉइल, सी से क्या होता है जी, कैपेसिटर सर। देवगर नाम डुबाइएगा क्या जी, यहाँ पे लिखा हुआ है L3015, क्या है ये, क्या सर, एल है ना सर, हाँ जी, L3015 क्या है, ये सर एल को है, मतलब कॉइल है सर। आप बताइए सूरज ये क्या है, L3016 इसको क्या बोलते हैं, L3016, हाँ सर कॉइल है, कॉइल है, 100% कॉइल है ना जी, कोई दिक्कत, यहाँ पे R6014 क्या है, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी मतलब क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। यदि हमारा रहेगा आर तो क्या हो जाएगा, ये रेसिस, समझ में आ रहा है देवघर, आ रहा ना जी, दिक्कत नहीं ना हो रहा है। मतलब देखिए जितना भी कंपोनेंट्स है सब में कोड लिखा हुआ है, और ये कोड आप लोगों को बता दिए हैं, जो कोड बाबू आपको समझ में नहीं आ रहा उस कोड को क्या SOC, हाँ 6000, देखिए जितना हम आपको बता रहे हैं जितना भी आपके पास मॉडल डाउनलोड आप कर सकते हैं, और ऐसे हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है, आप लोग सब लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम बता दिए हैं कुछ कुछ मोबाइल में और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, वो सब चीज को नोट कर लीजिएगा कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, ये हमको नहीं समझ में आया, ये हमको समझ में नहीं आया, वो सारा चीज को हम रिपीट, लेफ्ट कनेक्ट किधर है, राइट किधर कनेक्ट है, सब आपको मांगा भी तो है सर। तो मतलब क्या बोले, जितना चीनी डालिए उतना मीठा मीठा होगा, चीनी हल्का कम डालिएगा तो बाबू थोड़ा फिक्का लगेगा ना, तो आप इसमें क्या कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, इसमें आप पहले सीख जाइए, उसके बाद जो हमारा पेट भर जाए उसमें भी हम आपको सिखा देंगे। दोनों का जैसे होता है ना एक चस्का लगना,
लोग रोज 500 का दारू पीता है, कैसे पीता, उसको एक बार नशा लग गया, चस्का उसका लग गया, तब ना शाम शाम को मतलब खाने का पैसा घर में रोज पीने के लिए चल जाता है। तो जब आपको दोनों को चस्का लगाएंगे तब ना आप उसमें काम कीजिएगा जी, और जब आपको लगेगा कि इससे कई गुना बेहतर उसमें है, इससे हम कई गुना ज्यादा उसमें कमा रहे हैं, मतलब हमको बेनिफिट है, तो वहां खर्च कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। बिजनेस एक ऐसा चीज है कि आप जितना छिटिएगा उतना बटोरिएगा। बिजनेस क्या है, जितना आप लगाएंगे बाबू उतना आप कमा सकते हैं, यदि आप लगाएंगे नहीं तो कमा सकते हैं क्या? वही दिमाग है सर मेरा भी, दिमाग है ना जी। हाँ, पहले चौमिन का ठेला आप खरीदे ना, मतलब पहले उसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए, उसके बाद वहां से चौमिन से पैसा ले लिए, कमाने लगे, मुर्गा का दुकान खोल दिए, मुर्गा पहले खरीद के लाए ना आप, तब तो बेच रहे हैं। अगर यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे पहले यहाँ पैसा दे रहे हैं ना, अभी खर्च कर रहे हैं, तब ना एक दिन लुटिएगा जी। डॉक्टर बना, लाखों लाख खर्च किया कॉलेज में, अभी देखिए ना खाली एक कलम चलाता है 5,000 फीस उसका है। एशियन हॉस्पिटल में यदि एक दिन का चार्ज है 34,000 चार्ज है, रहिएगा भर्ती तो 18,000 बेड चार्ज सर, ऐसे नहीं इसमें असरफे में, बात समझे? हाँ, तो पूरा हेवी बना दिया इसी में, बात समझे कि नहीं? तो बिजनेस ही एक ऐसा फील्ड है बाबू कि इसमें लगाना भी पड़ेगा, और लगाना भी पड़ेगा दिमाग, कॉन्सेप्ट के साथ में लगाना होगा, तरीके के साथ इन्वेस्ट करना होगा, तरीके के साथ आपको खर्च करना होगा, तो आप तरीके के साथ में वहां से पैसा को निकाल भी सकते हैं जो कि आप लोगों के अंदर वो दिमाग है। तो ये हो गया स्केच डायग्राम, ये सब स्केच डायग्राम को पूरा डिटेल में हम आप लोगों को कल से बताना चालू करेंगे। तो आप लोग का जो होमवर्क है वो बहुत सारा फोन का डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दिए हैं, लिंक भी फिर से हम सेंड कर देंगे, और यदि डाउनलोड नहीं होगा तो फोन करके एक बार पूछ लीजिएगा, हम स्क्रीन शॉट वीडियो बना के भेज देंगे। नहीं सर, हम कर रहे हैं, हो जाएगा ना? मेरा सर ईमेल आईडी नहीं खुल रहा है। आपका ईमेल आईडी नहीं खुल रहा जी? तो न्यू ईमेल बनाओ, तो ईमेल आईडी फिर से बनाओ। बना रहा है फिर भी नहीं हो रहा, कहीं नहीं बन रहा जी, ठीक है चलिए बंद कर दे।